ये आप देख रहे हैं इसका क्या मतलब है मामा? पैंपर का क्या मतलब है? पैंपर का मतलब ये है कि हमारी बिल्ली को अगर पिशी पॉटी आ, हम इसको ये पहनाएंगे। अच्छा, देख इसको पसंद आप पहनाएंगे, मुझे नहीं पहनाना आता। आप पहनाओगे? एक्सक्यूज मी पार्कू, अरे पैंपर पहनना है। आई थिंक शी इज एक्साइटेड। अनबॉक्सिंग मल्टी फ्लेक्स प्रोटेक्शन। हम उसको ASMR कहते हैं। She likes the diaper. बोलते हैं क्या करते हैं? तो बोलते हैं यहाँ से आप इसको लिटाओ। हमने इसकी दुम का सोचा ही नहीं। गुड मुस्तफा। आज क्या दिन है? मैं कहाँ हूँ? मजे की बात। मजे की बात तो नहीं है, या आप जो देख रहे हैं पीछे लोकेशन, ये मेरा कमरा नहीं है, आई मीन पिशावर। आज है ईद का दिन और आज मैंने सोचा कि आज मैं ब्लॉग करूँगा। नॉर्मली हम लोग ईद मनाते हैं पिशावर में, क्योंकि मेरे बाबा साहब की फैमिली है, मोस्टली वो इधर रहती है। अभी मैं करंटली वेट कर रहा हूँ अपनी शलवार का। अब हम करते हैं तैयारी ईद की, नमाज भी पढ़नी है और कपड़े भी पहनने हैं। फन फैक्ट, मैं और मेरी फैमिली एक रोज़ा कम रखते हैं। हम लोगों का एक फनी चीज़ ये है कि हम लोग 1 रोज़ा कम रखते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब हम इस्लामाबाद में होते हैं तो इस्लामाबाद में एक दिन बाद होता है और यहाँ पे ये लोग सुबह ऐसा मनाते हैं, हम लोग का एक रोज़ा कम होता है। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, रीजनल प्रॉब्लम। अब सबको आज बताऊं इत्र लगाने का तरीका। आप लेंगे ये मॉडर्न इत्र, हाथ में इसको मलेंगे। मैं तैयार हो गया हूँ, ये मैंने पहन, मुझे मिल गई मेरी शलवार। अच्छा, मुझे ये नहीं पता हम लोगों ने करना क्या है, बट नॉर्मली वी गो टू अपना गांव कब्रिस्तान एंड मीट पीपल, लेकिन आई डोंट नो इफ वी कैन रियली गो एंड मीट। हेलो पार्कू, मुझे पार्कू मिली है। जैसे मैं कैमरा लेकर हूँ ये भाग ही है। हेलो, ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। The iconic नाश्ता। वो हमारे के नया मेहमान आ रहा है। कुछ बोले आपको क्या लगता है किसका है ये? फैजान से? नहीं, ये देखिए इसमें डेट देखें क्या है। 1 month 0 मामा, ये पैंपर्स किसके हैं? ये पार्कू के पैंपर्स हैं। नहीं तो? हाँ तो क्यों आपके लिए? मैं पप्पू को कंफ्यूज कर रहा था। पप्पू कह रही है किसके सनान के, मैंने कहा 0 years है ये तो। गाइस, मेरी पप्पू ने मेरी चाटनी बनाया है। गाइस, इस तरह चाटनी बनाई ना आपने मेरे लिए। आई एम बैक। मुझे ना इतने ज़्यादा पैसे मिले ना इस ईद में कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस पर लूँगा क्या क्या। 5 रुपये का कॉइन, और उसके अलावा अगर आपको लग रहे बहुत ज़्यादा पैसे गिरे ना तो लगता है आपकी आंखों को पोलियो होने। आपको मैंने कहा
समझ गए इसको मैं खर्च किधर. आई हेट दिस ईयर. आई एम ऑफिशियली डन विद लाइफ. आज पहला दिन है. उम्मीद करते हैं कि मुझे तब कोई 2000 तो हो ही जाएंगे. मैं ना आज गया था गांव में. मैं ये लेकर गया था ये ऐसे मैंने पहना हुआ था. मैंने कहा भाई ईदी दो मुझे. सब मेरी शक्ल देख रहे थे. अब मैं उनकी शक्ल देख रहा था. फिर जब मैंने जिप खोला मैं इस तरह बैठा हुआ था ना उदास इसे पकड़ के तो मेरी पप्पो ना कमरे चली गई. मैंने कहा है उनका दिल मेरे पे गर्म हो गया. तो मैं बैठा हुआ था. वो जब कमरे से बाहर निकली ना तो मैंने इस तरह करके जिप खोली. मैंने कहा अभी आएंगे मुझे पैसे पकड़ेंगे और मैं इस पूरे से कमरे का. वो जब आई कहा बेटा कितने रोजे रखे हैं. मैंने कहा सारे. कहती मैं बीती थी कल दूँ. वो कल नहीं आने वाला. अगर आपको लग रहा है ना मैं बड़े करोड़ों कमाता हूँ यूट्यूब से तो आपकी गलत फहमी है.